नीदरलैंड में परचम लहराने वाले नोएडा पुलिस में तैनात गगन पासवान स्वदेश वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला दिल्ली से नोएडा पहुंचा, जहां डीएनडी पर पहले से ही पुलिस के जवान स्वागत के लिए खड़े थे, जहां आला अधिकारी और सिपाहियों ने गगन को बधाई दी। आपको बता दें कि नीदरलैंड के रॉटरडम शहर में चल रहे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में गगन बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने नीदरलैंड में भारत पर परचम लहराया है। उन्हें बैडमिंटन प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब गगन पुलिस कांस्टेबल नहीं रह गए हैं, बल्कि एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। उन्होंने पदक हासिल करके गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का नाम रोशन किया है। पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार सिंह, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने गगन कुमार को बधाई दी है। गगन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म यूपी के मुरादाबाद में हुआ था। गगन के पिता भी पुलिस में थे, जिससे उनको आगे बढ़ने में काफी सहायता मिली। आपको बता दें कि गगन पहले से ही प्रदेश और देश स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और उन्हें जीत मिलती थी, जिसके बाद वो नीदरलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वॉइस ऑफ भारत से मुकेश चौधरी की रिपोर्ट।